हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम स्कॉर्पियन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुराने ही टॉपिक पे, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम और डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चार तरीके के नंबर सिस्टम पढ़े थे, जो कि ये हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें से सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम जो है वो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, तो बाइनरी फॉर्मेट में ही करता है। बाइनरी फॉर्मेट को जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, बाइनरी फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग 0 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 के टर्म्स में या इनके 0 1 के कॉम्बिनेशन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा बाइनरी डेटा होता है। बाइनरी डेटा जो हम लोग की बाइनरी डिजिट्स होती हैं, बाइनरी डिजिट्स जो हम लोग की होती हैं, अगर हम लोग अपने कोई भी डेटा अगर 8 बाइनरी डिजिट्स के फॉर्मेट में कलेक्ट कर लें, सपोज 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम लोग का कोई भी 8 बाइनरी डिजिट्स का कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग कलेक्टिवली बाइट्स कहते हैं, 1 byte। और हमारी जो एक इंडिविजुअल नंबर है जैसे कि 0, उसको बिट कहा जाता है। बाइनरी का BI, डिजिट्स का TS, इट्स नोन एज बिट्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन भी पढ़ा था, आज हम लोग हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हेक्साडेसिमल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल की टेबल बनाई है मैंने। सबसे पहले आप लोग को समझा देते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, हेक्स मीन्स हुआ 6, डेसिमल मीन्स 10, टोटल हो गया 16। ये हम लोग का जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ये बेस, इसका बेस होता है 16, और 16 की डेसिमल रेंज होती है 0 से लेके 15 तक। तो 0 से 15 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल नंबर मैंने लिखे, 0 1 2 3 4 5 6 15 तक। उसके बाद इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देखते हैं। हेक्साडेसिमल में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 0 से लेके 9 तक, जहाँ पे हम लोग के जो एक नॉर्मल नंबर की डेसिमल रेंज होती है 0 से लेके 9, वहाँ तक हम लोग एज इट इज वही नंबर लिखते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास 10 आता है, 10 के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं 10 को A से। सेम उसके बाद 11 के लिए B यूज किया जाता है, 12 के लिए C, 13 D, 14 E, 15 F। तो ये हम लोग का सिंपल हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। अगर आपके पास से कभी भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेटा लिखा होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि अभी बाइनरी डेटा की बात हो रही थी, तो वो होता है 0 1 का कॉम्बिनेशन, लाइक 0 1 0 1 1 0, कुछ इस तरीके से बाइनरी डेटा होगा। तो अगर हम लोग के पास हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में डेटा है, तो वो इस तरीके से कुछ हो सकता है, 2 F C 1 9 D, कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की, जो कि लिखा हुआ बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल। बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल का मतलब है कि जो हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट था, उसको बाइनरी के फॉर्म में अगर लिखा जाए, तो क्या होगा। जीरो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक नंबर बताया था, 1 2 4 8 16 32 ... बट यहाँ पे हम लोग का जो रेंज है वो मैक्सिमम 15 है। 15 की अगर हम लोग चेक करें, तो 15 का जो डेटा है हमारा, वो 4 बिट में कवर हो जाएगा, 8 + 4 + 2 + 1, तो टोटल इसका होगा 15। तो हम लोग को आगे की बिट्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास ये चार नंबर हैं, 8 4 2 1। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी इनकोडेड में। सबसे पहले 0 0 के लिए हम सारी बिट्स को 0 कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 0 0 4 टाइम्स हो गया। 1 1 के लिए 1 यहाँ पे है, तो 1 के नीचे वाली बिट को हम लोग 1 कर देंगे और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 1 के लिए 0000 1 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से अगर 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 के लिए 2 के नीचे वाली जो डिजिट है उसको 1 कर देंगे, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 के लिए हो गया। इसी तरीके से आप सारे चेक कर सकते हैं, 7 8 9 तक का जो भी है, जितने भी सारे हमारे डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब इसी फॉर्मेट में है, 8 4 2 1 के फॉर्मेट में है। इसकी हेल्प से हम उसको बाइनरी इनकोडेड कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।